हरिद्वार में किन्नर समाज ने अपनी देवी माता भौजस की मूर्ति की आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा की, जिसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसके बाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर निर्मला गिरी ने कहा कि हरिद्वार में किन्नर समाज का एक आश्रम बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश विदेश से जो किन्नर हरिद्वार आते हैं वे अब आश्रम में रुक कर उसका आनंद ले सकते हैं। आज हमने मेरे गुरु जी ने और मिलानंद गिरि जी महाराज किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर आज गुरु जी ने भंडारा किया है हरिद्वार में, और कल हमारी बहुचरा माँ की मूर्ति स्थापना थी। माता जी ने यहाँ हरिद्वार में आश्रम बनाया है और उस आश्रम के उपलक्ष्य में आज माता जी ने भंडारा किया है और कल मूर्ति स्थापना थी, और शाम को विष्णुदत्त शर्मा जी का प्रोग्राम था, शाम करवाया था और आज भंडारा किया है। कल का हमारा यहाँ प्रोग्राम था, मूर्ति स्थापना थी, आज का भंडारा है। इसमें कई हजारों लोग आए हुए हैं। हम सबके सुख दुआ परिवार की सुखों के लिए दुआ मांगते हैं कि हर हर घर लाखों दीपक जले, इनके नाम का दीपक एक हमारे घर भी जलना चाहिए सुख शांति के लिए। हम सभी के लिए दुआएं मांगते हैं कि सदाई फूलो फलो, आसुलाद में सुख शांति दे, परिवारों में खुशियाँ दे। किन्नर अखाड़े की तरफ से श्री दस नाम पंचजूना अखाड़े की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री उर्मिलानंद गिरि जी महाराज ने भव्य आश्रम एवं भव्य भंडारे का आयोजन किया है। अतः मैं सभी से पुनः प्रार्थना करूंगा, कृपया करके आप आने वाले समय में भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे।